नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सोलन भाजपा में जश्न का माहौल है। तीनों राज्यों में मोदी का जादू चलने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। जीत से फूले नहीं समा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोलन मुख्यालय के पुराने बस अड्डे पर एकत्रित होकर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटने के उपरांत शहर में रैली निकालकर अपनी खुशी जताई। रैली में पुरुष कार्यकर्ताओं ने जहां बीजेपी का पार्टी बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले के नारे लगाए, वहीं महिला मोर्चा की महिलाओं ने डांस कर अपनी खुशी जताई। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि तीन राज्यों में भाजपा की जीत से पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी खुशी का माहौल है। सोलन में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्व बहुमत से सत्ता में आएगी, जिसका प्रमाण विधानसभा चुनावों से मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह और उल्लास का दिन है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के चुनाव परिणाम सामने आए हैं, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं थे। और अच्छी बात यह है कि इसके परिणाम भी सामान्य नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में शून्य पर थी, उसके लगभग सभी, एक कार्यकर्ता को छोड़ के सभी की जमानतें जब्त हुई थी। वहां पर 3/4 मेजोरिटी से सत्ता में आना, ये बहुत बड़ा एक संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। मैं तो यूं कहना चाहता हूं, आज मोदी जी की नीतियों ने, मोदी जी की कमिटमेंट ने और मोदी जी का एक दूरदर्शिता वाला दृष्टिकोण है, उसने भारत देश को ही नहीं, भारत देश के हर एक नागरिक को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, या मैं ये कह सकता हूं कि पूरे यूरोप को उन्होंने जीता है।